Hey guys, welcome back to our another video. So, आज हम लोग वापस आ चुके हैं यार DDL सीखने के लिए. अभी मैंने वीडियो ये दूसरी बार बना रही हूँ. मेरे ख्याल है पता नहीं क्या एरर आ रहा था बार बार मेरे से. अभी सही हुआ है जाके ये, तो इस वजह से मैं फिर से बना रही हूँ वीडियो. और पहले एक बार क्या हुआ कि मेरे माइक ही बंद हो गया. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो शुरू करते हैं. DDL के अंदर हमारे पास क्या क्या कमांड्स है? क्रिएट कमांड टेबल और अल्टर टेबल. चलो शुरू करते हैं. क्रिएट टेबल कैसे बनाते हैं देखते हैं. ठीक है, क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे साथ में. मैं लिख भी, कभी कभी ऐसे ही होता है मेरे संग, है ना, STUD. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ना हम लोग कॉलम्स के नेम लिखेंगे. सिंपली मैं चाहती हूँ कि एक एनरोलमेंट नंबर हो स्टूडेंट के लिए. ठीक है, एनरोलमेंट नंबर क्या डेटा टाइप का हो. डेटा टाइप भी हम लोगों को बताना पड़ता है. डेटा टाइप का हो 10 डेटा टाइप 10 डिजिट का हो. साथ में डेटा टाइप है ये, इंट का मतलब डेटा टाइप, डिजिट का मतलब हम लोग कितनी डिजिट का जो एट्रीब्यूट है वो रखना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रेंट्स भी है हमारे पास, तो कंस्ट्रेंट्स भी यूज़ करना शुरू करते हैं. नॉट नल. ठीक है, अभी मैं इसको पहले लिख लूं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैं लिख रही हूँ, है ना. और कॉमा करते हैं, शुरू करते हैं. अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक एट्रीब्यूट का नाम, एक किसी भी कॉलम का नाम, साथ में लिखा एक डेटा टाइप. डेटा टाइप इंट भी होता है, नंबर भी होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन से तरीके के डेटा टाइप होते हैं. ये सब जो भी हैं ये तीनों के तीनों हमारे स्टोर करवाते हैं कोई भी तरीके का नंबर. ये तीनों के तीनों हमारे स्टोर करवाते हैं कोई भी तरीके की स्ट्रिंग. ये जो डेसिमल है वो हमारा स्टोर करवाता है किसी भी डेसिमल वैल्यू को. ठीक है, या वी कैन से पॉइंट वाली वैल्यू को. नाउ नॉट नल में क्या है, नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है. मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि ये ना ये बताता है कि ये चीज आपको करनी ही करनी है. अच्छा, नॉट नल का क्या मतलब है यहाँ पे. नॉट नल का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि इस वाले कॉलम को हम लोग खाली छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. चलो ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई हमें. यूनिक प्राइमरी की ये भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं साथ में. ठीक है, हम लोग पहले कुछ और कॉलम के नेम्स लिख देते हैं. नेम, ठीक है, जो कि वेयर केयर टाइप का होगा और उसका साइज दे देते हैं 20. इसको भी कह देते हैं नॉट नल, क्योंकि हम लोगों का नाम जो है वो कंपलसरी होता है कि नाम होना ही चाहिए इग्नू के अंदर स्पेशली. तो इग्नू का अगर स्टूडेंट्स की हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं तो. सरनेम भी होता है, लेकिन सरनेम मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्या करना लिख के, है ना. कोर्स लिख देते हैं, अरे बाबा कोर्स, हाँ कोर्स लिख देते हैं. कोर्स को भी मैं वेयर केयर टाइप का स्टोर कर देती हूँ जो कि करेगा 4 डिजिट की डेटा स्टोर. ठीक है, ये भी नॉट नल होगा. ऑब्वियसली कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए आ रहा है तो नॉट नल तो होना ही चाहिए ना इसमें. ठीक है, नाउ एड्रेस लिख दे, एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं. मोबाइल नंबर को हम लोग करते हैं क्या, मोबाइल नंबर करते हैं हम इंट टाइप का जो कि रहेगा हमारे 10 डिजिट का और ये भी नॉट नल रहेगा. नाउ एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी रख लेते हैं. ठीक है, AL, उसके बाद फिर ये अंडरस्कोर और MOB. ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर. अब ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है वो हमारा नॉट नल नहीं रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा हमारे लिए. तो इसकी भी डिजिट की जो साइज है वो ऑब्वियसली 10 रहेगा हमारे पास. और कॉमा लगा के नेक्स्ट करते हैं. अब इसकी कोई ना कोई टेबल की प्राइमरी की भी होनी चाहिए, राइट. तो हम लोग किसी को प्राइमरी की बना देते हैं. प्राइमरी की किसको बनाए, किसको बनाए, ऑब्वियसली यार एनरोल की को हम लोगों को बनानी पड़ेगी. एनरोलमेंट नंबर को हम लोगों को प्राइमरी की बनानी पड़ेगी क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी हमारी चेंज नहीं होती, यूनिक रहती है, नॉट नल भी नहीं होती. ठीक है, नॉट नल होती है मतलब हमेशा नॉट नल रहती है ऐसा. तो एनरोलमेंट नंबर को हम लोग बना देते हैं यूनिक प्राइमरी की. ठीक है, चलो प्राइमरी की बनाने के लिए हम लोग या तो नॉट नल जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, नॉट नल की जगह मैं डायरेक्टली प्राइमरी की लिख देती वो भी वर्क करता. लेकिन मैं अगर चाहूँ
तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जो कि रहेगा कुछ इस तरह का। नाम लिखूंगी एट्रीब्यूट का, कॉन्स्टेंट का, संग में एक एट्रीब्यूट का नाम लिख दूंगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी वर्क करेगा। अच्छा, सिमिलरली मैं यूनिक की भी बना सकती हूँ, सिमिलरली मैं और कीज भी बना सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मुझे मोबाइल को यूनिक की बनाना है। ठीक है, तो UNIQUE, ठीक है, यूनिक की स्पेलिंग ऑब्वियसली, एंड उसके बाद फिर उसको भी ब्रैकेट में बंद करके मैं MOB रख दूंगी। इसका मतलब कि मैं मोबाइल नंबर को यूनिक की बनाना चाहती हूँ कि वो हमेशा यूनिक रहे हर एक डेटा के लिए, मतलब हर एक नंबर, हर एक बंदे का नंबर जो है वो अलग रहे, चाहे ऑल्टरनेटिव नंबर जो है वो रिपीट हो रहा, डजेंट मैटर। ओके, नाउ मेरे को टेबल अगर क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो ये वाला हमारा ब्रैकेट था उसको बंद करूंगी, एंड उसके बाद फिर सेमी कॉलन लगाऊंगी, एंड उसके बाद एंटर कर दूंगी। चलो जी, हमारा ये जो टेबल है वो बन चुका है। ठीक है, अब टेबल बन गया तो फिर चलो देखते हैं टेबल बनाया या नहीं बना। टेबल बनाया या नहीं बना ये चेक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, DESC डाल के और अपने टेबल का नाम लिख सकती हूँ। SCUD यहाँ पे टेबल का नाम है मेरे पास, एंड मैं सेमी कॉलन लगाऊंगी और लिखूंगी जैसे ही, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे डिस्क्राइब हमने किस तरह से किया हुआ है इसको। अगर हम लोग एनरोलमेंट नंबर की बात करें तो एनरोलमेंट नंबर जो है वो इन टाइप का है, नॉट नल है, ठीक है, एंड प्राइमरी की भी है। डिफॉल्ट जो है वो नल रहेगा, इसमें डिफॉल्ट नल है। डिफॉल्ट भी हमें, मैं बताऊंगी कि डिफॉल्ट कैसे हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये है, डिफॉल्ट भी एक तरह का ना कंस्टेंट है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ना हम लोग अगर उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को खाली छोड़ रहे हैं नल बिना लिखे, तो वो डिफॉल्टली उस वाली वैल्यू को अपने आप ही डिफॉल्ट वाली वैल्यू से एक्सचेंज कर देगा। यहाँ पे नल है तो अगर हम लोग नल छोड़ेंगे तो नल ही रहेगा। नाउ हम लोगों को क्रिएट जो कमांड है वो अच्छे से आ चुकी है, हम लोग क्रिएट टेबल कर सकते हैं कभी भी, जो भी बोले, किसी को भी बोलोगे आप तो कभी भी कोई भी बोलेगा आपको तो आप क्रिएट टेबल कभी भी करना करके दे सकते हो। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से कोर्स के लिए भी एक टेबल बनाओ जिसमें कोर्स का आईडी हो, ठीक है, कोर्स आईडी हो, ठीक है, कोर्स आईडी जो होती है प्रॉपर, कोर्स का फुल फॉर्म हो, ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रिंग लिखे हैं जिसमें हम लोग, जैसे BCA की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पूरा लिखें, और उसकी फीस जो है वो लिख सकें हम लोग। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना है, डिस्क्राइब करके देखना है, और इसमें ना कोर्स जो है वो नॉट नल और प्राइमरी की भी रहेगा, और जो कोर्स की जो हमारी वो है क्या बोलते हैं, पूरी स्ट्रिंग नेम रखोगे कोर्स का, उसको भी हम लोग यूनिक बनाएंगे, और फीस तो हमारी कैसे भी रह सकती है। अच्छा, फीस में ना अपना यूज करना डेसिमल, ठीक है, डेसिमल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इंट की जगह डेसिमल हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप में। अच्छा, उसमें हम लोगों को ना एक चीज और करनी पड़ेगी, जैसे कि लेट्स से कि मेरे को एक 7-8 हज़ार की हमारे उसमें तो एक कोर्स की फीस होती है, एक सेमेस्टर की फीस होती है, तो लेट्स से कि मेरे को 6 हज़ार रुपये की सेमेस्टर की फीस होती है, तो 6 में कितने जीरोज होते हैं, 6 हज़ार में कितने जीरोज होते हैं, 4, ठीक है, प्लस 2 डिजिट हम लोगों को रखनी है कि जो पॉइंट के बाद भी हम लोग रख सकें। तो मैं 6 का रखूंगी, कॉमा करूंगी, 2 लिखूंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। साइज में कुछ इस तरह से आएगा डेसिमल के अंदर। मैं चाहती हूँ कि आप खुद बना के कमेंट्स में डालो और मैं चेक करूंगी और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी इस चीज़ का, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग रेफरेंस की वगैरह भी सीखेंगे इन फ्यूचर। अभी मैं इसके बाद सिखाऊंगी आपको ऑल्टर करना, कि हम लोगों ने अगर ऑलरेडी कोई एक टेबल बना दिया है और जिसका जिसके अंदर मैं लेट्स से कि प्राइमरी की देना ही भूल गई, तो मैं प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकती हूँ, प्राइमरी की अगर मुझे हटानी है तो वो कैसे कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें हम लोग यूजिंग ऑल्टर कमांड कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये वाली चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए गाइस इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट से ऊपर की वीडियोज हो चुकी है, सो तब तक के लिए बाय। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।